एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इस लोकेशन से। और सुबह का 8:30 हो गया है और मैं अभी उठा हूँ, तालाब साइड गया था, उधर गया था दतवन करने, जस्ट अभी आके इधर ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो चलो चलते हैं घर तरफ, फ्रेश होएंगे थोड़ा सा, फिर घूमने चलते हैं। तो चलो, तो गाइस चौक तरफ आए थे, अब चलते हैं घर। तो गाइस घर आ चुका हूँ, देख सकते हो, और नहा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं नहा लिया, खाना पीना भी खा लिया और आते हैं थोड़ा खेत तरफ से। चलो चलते हैं उधर से, आते हैं थोड़ा खेत तरफ से। उधर नहीं जाता हूँ ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, अब आदत हो गया है उधर जाना खेत तरफ। तो चलो चलते हैं खेत तरफ। और गाइस थोड़ा थोड़ा बादल किया है, पानी गिर जाएगा तो फसल में पानी आ जाएगा, तो थोड़ा अच्छा से हो जाएगा फसल। देख सकते हो बादल किया है हल्का हल्का, क्या पता शाम तक गिर देगा तो बहुत अच्छा होगा। और देखो मैं आ गया खेत तरफ, बस यहाँ पर बैठूँगा, उधर नहीं जाऊँगा, फिर चलता हूँ घर। तो गाइस खेत तरफ से जा रहा हूँ घर तरफ, बहुत धूप, देख सकते हो कितना धूप किया है, अचानक धूप करते हैं अचानक बादल करते। चलता हूँ घर तरफ, थोड़ी देर में निकलूँगा, ठीक है, तो चलो घर तरफ। तो दोस्तों मैं अभी बोर साइड आ गया हूँ, देख सकते हो, हाथ पैर धो लेता हूँ फिर घर अंदर चलता हूँ, और बहुत धूप है ना, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस जस्ट अभी सो के उठा हूँ, 4:30 हो गया, और चलो देख सकते हो मैं अभी गली पे हूँ। तो चलो चलते हैं खेत तरफ से, घूम के आते हैं। तो चलो गाइस हमारे गाँव का आपको तालाब दिखाता हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ ना, तो चलो। तो गाइस ये है शॉर्टकट रास्ता, ये देख सकते हो, इधर से जा रहे हैं, मेन रास्ता तो उधर से है लेकिन हम हमारे घर से इधर पास पड़ते हैं तो इधर ही से जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, वो सामने में है तालाब, तो चलो वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो पूरा चारों तरफ खेत ही खेत है पूरा, और उसके आगे में तालाब है, देख सकते हो वो वाला है पहाड़ की उस वाला, अब पूरा इधर पूरा खेत है पूरा, देख सकते हो एक भावर देख सकते हो पूरा खेत है। तो चलो गाइस वहाँ पर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारे गांव का तालाब अभी पूरा यहां से भरा है, और वो देख रहे हो ना झोपड़ी, झोपड़ी हाँ उसी के पास पचरी है इस तालाब का। इधर तो कभी कभार आता हूँ मैं, ज़्यादा आता नहीं हूँ इधर, आज आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया। देख सकते हो पूरा पेड़ वगैरह बुड़ गया है इधर तक, पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक है तालाब हमारे गाँव का। तो चलो अब घर तरफ चलते हैं। और हाँ गाइस इस तालाब को देख रहे हो ना हमारे गांव का, इसके जस्ट ये पहाड़ वाला ये पार है ना, उसके उस पार एक और तालाब है, इससे भी बड़ा है, किसी दिन आपको दिखाऊंगा, अभी तो नहीं जा रहा हूँ उधर, बस इधर घूमने आया था। देख सकते हो मेरे पीछे पूरा हरियाली हरियाली है खेत का, हमारे गाँव का पूरा, इधर देखो पूरा हरियाली हरियाली हमारे गाँव का। इधर मछली खेल रहे हैं भैया लोग, और इधर सागवान प्लांट है, सागवान प्लांट सराऊंगा घूमते 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 घूमते, इधर जाना है मेरे को, घर इधर है हमारा। तो चलो चलता हूँ दोस्तों, एक बार देखो इस हरियाली को, पूरा ये पूरा हरियाली है, पूरा हरियाली हरियाली, और हमारे गांव का पहाड़ को देखो कितना अच्छा दिख रहा है, पहाड़ पूरा ऐसे करके चारों तरफ से घेरा है हमारे गाँव का पहाड़, देख ही सकते हो। इधर छोटू आ रहा है, हमारे मित्र, छोटे मित्र, देखो पूरा पहाड़। तो चलो गाइस चलते हैं घर तरफ। तो गाइस हमारे गांव का सागवान प्लांट आ चुके हैं, देख सकते हो पूरा, जहां देखोगे वहां पूरा सागवान ही सागवान है, ये लास्ट है इधर उसके, इस सागवान के उस पार खेत है हमारे, पूरा देख सकते हो पूरा सागवान पेड़ है। अब जा रहा हूँ इधर से, इस रोड से जाएंगे तो मेन रोड को भेटेंगे हमारा, चलो आपको मिलता हूँ मेन रोड पे। फाइनली गाइस हम देख सकते हो रोड पे पहुंच गए, इधर पूरा रोड है, इधर तो हमारे गांव का ऐसा ही रोड है, देख सकते हो इधर से आए हैं हम लोग इस प्लांट से, और इधर जाएगा डोंडकी जाएगा इधर का रास्ता, और मेरे पीछे में हमारे घर तरफ जाएगा, और सामने देख सकते हो हमारे गांव का गौठान। तो चलिए चलते हैं घर तरफ। तो गाइस ये देख सकते हो हमारे गांव का गौठान, बस इतना ही बना है, ये अभी गड्ढा कोड़ा गया है इधर, देख सकते हो ग्राउंड बनने के लिए, बस इतना ही बना है, और इधर रोड सीधा हमारे घर तरफ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखो
ये हमारा खेत तरफ आ गए, ये रोड, चलो चलते हैं घर। तो गाइस अभी आ रहे हैं हम, थोड़ा इधर बैठे थे खेत तरफ, अब जा रहे हैं सीधा घर। चलो आपको मिलता हूँ थोड़ा से बाद में। तो गाइस अभी अनिल चाचा के न्यू घर में आ चुका हूँ, देख सकते हो इधर हॉल है ये, इधर सोफा वगैरह है और ये दुकान वाला एरिया है, देख सकते हो। अभी तो अंधेरा है, ये दुकान वाला एरिया है, लाइट भी नहीं बढ़ रहा है इसमें, ये दुकान वाला एरिया है देख सकते हो। और ये एक रूम है ये वाला, और ये भी रूम है, ये बेडरूम है, शायद इसका काम चल रहा है अभी, लाइट बढ़ जा। ये देख सकते हो ये रूम है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बाका है, बचा है अभी थोड़ा थोड़ा, पेंटिंग करना बचा है देख सकते हो, पूरा पेंटिंग बच गया है थोड़ा थोड़ा। और इधर का लाइट बंद कर देता हूँ गाइस, ये देखो गाइस ये पीछे वाला गेट है, ये पीछे वाला गेट को नहीं खोलूँगा, अभी अंधेरा है उस पार, एक खिड़की है ऊपर, आप देख सकते हो दो लाइट है। तो चल गाइस अब घर चलता हूँ मैं, खाना वाना खाता हूँ। तो गाइस आज हमारे घर में कद्दू साग और ये क्या चीज़ें पुट्टू है, तो चलो मैं खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों मेरा खाना पीना हो गया और मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ अनिल चाचा के नया घर पे, देख सकते हो छोटा चौक पे पहुँच गया हूँ, ये रहा अनिल चाचा का नया घर, यहीं जाऊंगा, तो चलो चलते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग को आपको बहुत अच्छा लगे, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मिलता हूँ आपको कल, बाय बाय।